नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर डी। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारी जो योग सीरीज थी उसके अंदर हमने पहले 19 आसन आपको बताए, जहाँ पर आपने अलग अलग पोस्चर है जो कि आपको एक्सप्लेन किए थे, और उसके अंदर एक प्राणायाम भी हमने डाला है और उसके अंदर एक सूर्य नमस्कार भी हमने ऐड किया है। तो अभी हमने किया क्या इस 20 नंबर पे वीडियो के अंदर, कि उन सारे योगासन को, सारे प्राणायाम को या फिर सारे जो सूर्य नमस्कार की जो भी टेक्निक है उनको एक ही समूह में डालकर आपके लिए हमने एक सीक्वेंस बनाई है, जहाँ पर फर्स्ट जो आसन है वो स्टैंडिंग में हमने बताया है, यानी कि खड़े रहकर बताया है, और उसके बाद आपको बैठकर आसन बताया है, और उसके बाद आप उल्टा लेटकर आपको पेट के अंदर जो भी आसन करने हैं वो बताए हैं। फिर नेक्स्ट में आता है कि आपको कमर के ऊपर लेटकर भी आसन जो हमने बताए वो भी उसके अंदर डाल दिए है। फिर उसके अंदर हमने प्राणायाम किया है और एक ध्यान का वीडियो डाला है, और उसके बाद हमने लास्ट में डाला है सूर्य नमस्कार। तो इस तरह से सीक्वेंस में, यानी कि खड़े रहकर, बैठकर, लेटकर, उल्टा लेटकर, सीधा लेटकर, और फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, और फिर सूर्य नमस्कार। तो इस तरह से क्रम वाइज, यानी कि सीक्वेंस में इस सारे वीडियो के जो भी आसन थे हमारी योगा सीरीज के, उसको हमने डालकर आपके लिए एक वीडियो बनाया है। अगर आपको अलग अलग वीडियोस नहीं देखने, ये सारे वीडियोस उसको आपको एक ही वीडियोस के अंदर देखना है, तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। और ये हमारी योग सीरीज का 20वां नंबर का ये वीडियो है, और उसके अंदर आपको सारे आसन मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको सारे आसन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करना है। थैंक यू। त्रिकोण आसन। इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर, यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हों, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों, यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है। ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं, हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं
और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांघ, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों, तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों, तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। अर्धचक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्धचक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हों, तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए
अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पाद हस्तासन। संस्कृत में पाद का अर्थ होता है पैर और हस्त का अर्थ होता है हाथ, इसीलिए पाद हस्तासन का मतलब वो योग आसन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उत्तना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचे। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सके। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हो। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पाद हस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है, किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्ज का निवारण होता है। उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हो। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें
और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में ही सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भद्रासन। अंग्रेजी में भद्रासन को द ऑस्पिशियस पोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपके तन एवं मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब दंडासन की स्थिति में धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। अगर ऐसा करते हुए आपकी जांघें जमीन को ना छू रही हों, तो आप उनके नीचे तकिया रखकर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक विराम आसन यानी लंबे समय तक बैठे रहने की मुद्रा है, इसलिए अब इस मुद्रा में आंख बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। यह घुटनों और कूल्हे की हड्डी को मजबूत बनाता है और घुटने के दर्द को कम करता है। यह आसन पेट में किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले पेट दर्द और अन्य तकलीफों से भी राहत दिलाता है। ये आसन गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। अक्यूट आर्थराइटिस यानी गठिया और सायटिका के रोगी ये आसन ना करें। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद अपनी आंखें खोलें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए और अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की मुद्रा में कुछ क्षणों तक आराम करें। भद्रासन आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर करके आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। अब अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक आराम से रहें। वक्रासन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन अग्नाशय यानी पैनक्रियास को उत्तेजित कर मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानी लिवर के लिए भी लाभकारी है। वक्रासन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यदि आपको गंभीर रूप से पीठ दर्द हो या रीढ़ संबंधित तकलीफ हो या स्लिप डिस्क की शिकायत हो, तो कृपया ये आसन ना करें। अगर आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी ये आसन ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस छोड़ते हुए अपने शरीर, सर और पैरों को सीधा करें और पुनः दंडासन की मुद्रा में आ जाएं। अब अपने दोनों हाथ पीछे रखते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद इस पूरे क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। नियमित रूप से वक्रासन करने से आपके पेट की चर्बी घटती है और आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर
सकारात्मक असर होता है जो आपको कब्ज मुक्त जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। वज्रासन। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया ये आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है। शशांक आसन। संस्कृत में शशांक का अर्थ है खरगोश। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक खरगोश की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अब अपने दोनों घुटनों को आरामदायक स्थिति में जितना हो सके उतना फैलाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को परस्पर छू रहे हों। अब अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। अब सांस छोड़ें और अपनी हथेलियों को आगे की ओर खींचते हुए अपने शरीर को झुकाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी भुजाएं समांतर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर। अपनी दृष्टि सामने की ओर बनाए रखते हुए इस मुद्रा में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। शशांक आसन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यह आसन पीठ दर्द में भी राहत दिलाता है। हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप के रोगियों को यह आसन सावधानी के साथ करना चाहिए। घुटनों में गठिया की शिकायत के रोगियों को यह आसन सावधानी से या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपके पीठ में अत्यधिक दर्द हो तो कृपया यह आसन ना करें। कुछ समय तक शशांक आसन में रहने के बाद सांस लेते हुए ऊपर आएं और अपने शरीर को सीधा करें। अब सांस छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएं। अब अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और विश्राम आसन में आने के पश्चात विश्राम करें। नियमित रूप से करने पर शशांक आसन आपको तनाव और क्रोध घटाने में मदद करता है। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय
आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक ये आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। सेतु बंधासन। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक पुल की तरह होती है। इस आसन को चतुष्पदासन भी कहा जाता है। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच आरामदायक अंतर बनाते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब अपने दोनों पैरों को जोड़ें, फिर अपने पैरों को मोड़कर अपने कूल्हों के पास ले आएं। फिर अपने दोनों टखनों यानी एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूल्हों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक सेतु यानी पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये आसन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आपके पेट के अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है और आपको कब्ज से मुक्ति दिलाता है। सेतु बंधासन हृदय संबंधी कार्यों में सुधार लाता है। यदि आपको अल्सर और हर्निया जैसी बीमारियां हैं तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और पर्यवेक्षण के तहत करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक सेतु बंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टखनों को छोड़ते हुए पुनः शवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतु बंधासन करने से आपको अवसाद यानी डिप्रेशन और व्यग्रता यानी एंग्जाइटी से मुक्ति मिलती है। शलभ आसन। शलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड्डा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकर आसन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को
आराम दे। अब मकर आसन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीप इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो। एक गहरी सांस लेते हुए सिर्फ अपने नितंब यानी कूल्हों की मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को सिर्फ उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें। आप पैरों को ऊपर उठाए रखने के लिए अपनी बाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सकें। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। ये आसन सायटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से राहत देता है, कूल्हों और गुर्दों के आसपास की मांसपेशियों को आकार देता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर जांघों की चर्बी घटती है और वजन कम होता है। ये आसन हमारे पेट के लिए भी लाभकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद्ध होता है। गर्भवती महिलाओं, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाई बीपी और हृदय के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए। अब मकर आसन में आने के पश्चात विश्राम करें। ये आसन आपके मानसिक तनाव और थकान को भी दूर करता है। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। ये आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। ये आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थि बंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया ये आसन ना करें। हर्निया और सायटिका के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से
क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिक आसन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाई हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाई हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। प्रारंभ में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा, लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है। ध्यान, ध्यान या मेडिटेशन सतत चिंतन की एक कला है। ध्यान में मुख्य रूप से 3 बातों का समावेश है। बाहरी वस्तुओं और आंतरिक अवस्था से अनभिज्ञ हो जाना, उस वस्तु के प्रति निरंतर जागरूकता जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और दूसरे मानसिक परिवर्तनों पर सहज रोक या उनसे प्रभावित न होना। ध्यान आपको शांति और आंतरिक सद्भाव खोजने में मदद करता है। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। पद्मासन के अलावा ध्यान दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड आरामदायक स्थिति में सीधा हो, भुजाएं और कंधे ढीले हों, सर हल्का सा ऊंचा और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों। अब अपनी बाई हथेली को अपने पेट के पास लाते हुए अपनी बाई टांग पर रखें और अपनी दाई हथेली को अपनी बाई हथेली के ऊपर रखें। ये ध्यान मुद्रा है। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त और आरामदायक स्थिति में हो। सर से पैर तक अपने शरीर के प्रति जागरूकता बनाएं। ये आपका ध्यान बाहरी वस्तुओं और विकृति से दूर करेगा और अंदर की ओर आकर्षित करेगा। अब आप सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की ओर जागरूकता बनाएं।
अपनी सांसें गहरी और धीमी रखें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी सांसें कम ना हो जाएं। बिना किसी वस्तु पे अपना विशेष ध्यान केंद्रित किए सिर्फ अपने भौहों यानी आईब्रोज पर हल्का सा ध्यान दें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। अब अपना मन अपने विचारों की तरफ ले जाएं और पवित्र और निर्मल विचारों के साथ रहने का प्रयास करें। जैसे ही आप ध्यान में लीन हो जाएंगे आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी मानसिक गतिविधि कम हो जाएगी और आपके विचार खत्म हो जाएंगे। आप पूरी तरह से चिंता और तनाव से मुक्त होकर आराम महसूस करेंगे। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, इसलिए इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए जितने समय तक संभव हो उतने समय तक बैठे रहें। ध्यान आपके शरीर और मस्तिष्क को नवजीवन प्रदान करता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाने और व्यवहार में सुधार लाने में मदद करता है। ध्यान आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। ये क्रोध, भय, अवसाद और चिंता को दूर कर सकारात्मक विचार और भावनाएं विकसित करने में मदद करता है। ध्यान आपकी स्मृति, आपके मनोबल और विचारों की स्पष्टता बढ़ाता है। ये आपको अधिक सकारात्मक और उत्पादक बनने में मदद करता है। ध्यान आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर ध्यान आपका मस्तिष्क शांत और निश्चल रखता है और आपको आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है, जो योग अभ्यास का लक्ष्य है। सूर्य नमस्कार। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न ले। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटाकर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हो, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे
सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग, जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।